अगर तुम्हारी अब तक कोई इंटर्नशिप नहीं लगी है, तुम प्लेस्ड नहीं हुए हो, तुम्हारी CGPA बहुत कम है, तुमने अब तक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए, तुम कहीं शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहे हो, या फिर तुम्हारे DSA समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें DSA में मजा नहीं आ रहा है, तो मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आई हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। और मतलब ये मस्ट अप्लाई अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं इसमें कवर करूंगी इसमें कैसे अप्लाई करना है, कैसे कैसे आगे चीजें होंगी। और लाइक ये ऐसी चीज है कि तुम्हें इतनी सारी चीजें फ्री में मिलेगी इस अपॉर्चुनिटी में कि तुम सोचोगे एक इंटर्नशिप से बेटर है या फिर एक प्लेसमेंट से बेटर होगा कि मैं पहले इसमें एक्सपीरियंस ले लूं फिर मैं एक फुल टाइम जॉब में जाऊं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज नैंसी सोलंकी एंड आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि एक मस्ट अप्लाई अपॉर्चुनिटी है। ये जो अपॉर्चुनिटी है ये होस्ट कर रहा है ICP इंडिया सब क्रूज फेयर। ये टॉप 20 ब्लॉकचेन में से एक है। इस अपॉर्चुनिटी में होगा क्या, जब तुम इस अपॉर्चुनिटी पे अप्लाई करोगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तुम्हें वो शॉर्टलिस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरियाज। वो क्राइटेरियाज क्या है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले ये जानते हैं कि इसमें होगा क्या। तुम्हें मौका मिलेगा मनाली जाने का एक हफ्ते के ट्रिप पे जो कि फुली स्पॉन्सर्ड होगी, यानी तुम्हारा रहना, तुम्हारा खाना, तुम्हारा घूमना फिरना सब कुछ पेड होगा ICP इंडिया सब क्रूज फेयर के थ्रू। बस तुम्हें इनसे चाहिए क्या, मतलब ये ऐसा क्यों करेंगे, तुम्हें चीजें फ्री में क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो लाइक माइंडेड पीपल हैं, जो ब्लॉकचेन में हैं, जो फिर वेब 3 में आगे जाना चाहते हैं, उन लाइक माइंडेड पीपल को एक साथ बुलाकर उनके साथ एक टेक मीटअप टाइप होगा ये, जिसमें तुम अपने आइडियाज शेयर कर सकते हो, तुम उनके अगेंस्ट इंक्यूबेशन ले सकते हो। इंक्यूबेशन क्या होता है, मान लो कि मुझे इस साल कोई इंटर्नशिप नहीं मिली है बट मेरे पास एक आइडिया है जो मुझे इंप्लीमेंट करना है और उसके लिए मुझे थोड़ी सी फंडिंग चाहिए। हो सकता है कि मैं किसी ऐप पे या फिर किसी बड़ी चीज पे काम करना चाहती हूँ और अगर मेरा आइडिया मैंने वहां पे पिचिंग कर दिया उस ग्रुप में और वहां पे लोगों को मेरा आइडिया पसंद आया, तो मुझे उसके अगेंस्ट पैसे मिलेंगे और वो जो पैसे कोई छोटे मोटे रकम नहीं है, बहुत अच्छी खासी, लाइक यू विल बी अर्निंग इन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। तो फिर लगा लो कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंटर्नशिप में तुम्हें इतने पैसे नहीं मिलेंगे जितने तुम्हें वहां से इंक्यूबेशन लेके मिल जाएंगे। इस प्रोग्राम में शॉर्टलिस्ट होने का जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ इतना ही है कि तुम्हें एप्लीकेशन पे जाना है और अप्लाई करना है। जब तुम अप्लाई करोगे वो तुमसे तुम्हारे प्रोजेक्ट का एक लाइक ओवरव्यू मांगेंगे, उस प्रोजेक्ट में तुम्हारा आइडिया क्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या सॉल्व हो रही है, कैसे सॉल्व हो रही है, तुम्हें उसे एग्जीक्यूट कैसे करोगे आगे, अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो फंडिंग मिलती है जो वहां से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो तुम्हारा प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा। जैसे शार्क टैंक में होता ना कि हम अपने आइडियाज को पिच इन करते हैं, वहां पे इन्वेस्टर्स फिर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, सेम वही सिनेरियो है। बस सोचो वहां पे कंपनीज के लोग आ रखे हैं, वहां पे बहुत बड़े बड़े ब्लॉकचेन एंथुजियास्ट हैं जो इन्हीं आइडियाज में अपने पैसे डालने को तैयार है ताकि तुम अपने आइडिया पे वर्क कर सको। बहुत ही लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, बहुत ही एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है और मैं चाहती हूँ मेरी ऑडियंस से काफी लोग शॉर्टलिस्ट होकर यहाँ जाए, मनाली घूमने को मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर तुम चाहते हो ऐसी और वीडियोज आए और अपॉर्चुनिटीज और एक्साइटिंग और फ्रीबीज वाली चीजें आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, नीचे कमेंट करके जरूर जाओ। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर बटन एंड सब्सक्राइब बटन। बाय गाइज़।